नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ही इसको लेकर बहस जारी है। कई राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है तो वहीं कई राज्यों में इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को चालान करने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक नजारा बीते शनिवार को भी देखने को मिला, जब एक लड़की ने पुलिस को चालान काटने पर फांसी लगाने की धमकी दी। घटना दिल्ली के ISBT इलाके की है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने लड़की का चालान काटने के लिए गाड़ी रुकवाई। दरअसल आपको बता दें कि उस लड़की की स्कूटी का नंबर प्लेट टूटा हुआ था, इसके साथ ही उसके हेलमेट का बैंड भी नहीं लगा हुआ था और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल भी इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस चालान काटने लगी, लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि वो फांसी लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने बिना चालान किए लड़की को जाने दिया। अब क्या, अब सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रही है।